देखिए एक बात है, कड़वी है पर सच्चाई कितनी है ये आप स्वयं अपने हृदय से पूछ सकते हैं। देखिए जेआरएफ या सरकारी नौकरी किसी को भी चाहिए, परंतु कड़ा परिश्रम करना कोई नहीं चाहता है। मैं देखता हूँ अगर कोई भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करा रहा है तो प्रश्नोत्तरी वाली कक्षा है या कट ऑफ वाली कक्षा है या महामैराथन वाली कक्षा है, उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। परंतु अगर मूल ग्रंथों का अध्ययन कहीं शब्दशः यदि कोई परिश्रम करके करवा रहा है तो उन पर मैं देखता हूँ कि एक व्यूज, दो व्यूज या तीन लोग जुड़े हैं या 25 लोग, 20 लोग, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं जुड़े होते हैं। देखिए यदि आपको परिश्रम करना है, यदि आपको वास्तव में परिश्रम करना है तो आपको इन चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा। जेआरएफ सबको चाहिए परंतु अंदर से मूल ग्रंथ का अध्ययन कोई करना नहीं चाहता है। अगर फिर मूल से प्रश्न आ जाएगा तो फिर कहेंगे कि प्रश्न बहुत कठिन था, बहुत पाठ्यक्रम से भी बाहर से आ गया है। यदि आपने मूल ग्रंथ का अध्ययन किया ही नहीं है, आपने केवल प्रश्नोत्तरी हल की है, महामैराथन हल की है, शॉर्ट ट्रिक्स वाली ग्रंथों को आपने देखा है केवल, तो आपको वो ग्रंथ, वो प्रश्न बाहर से ही तो लगेगा, आपको वो कठिन ही लगेगा। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं आपको कहीं स्कूल में जाकर के इसको पूरा करना है, किसी विश्वविद्यालय में जाकर के आपको कोई यह पाठ्यक्रम करवाएगा, आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से पाठ्यक्रम के उन बिंदुओं को इधर उधर से खोजना पड़ेगा। जैसे अरुण पांडे जी के चैनल पर कितनी महत्वपूर्ण वीडियो है, नैषधीय चरितम है, तर्क भाषा है, काव्य प्रकाश के अनेकों ग्रंथ, अनेकों विषयों को उन्होंने पढ़ाया हुआ है। आप संस्कृत गंगा के चैनल पर देखिए, संस्कृत विषय अध्ययन चैनल पर आप देखिए कितने मूल ग्रंथों का लगभग नाटक मैंने सारे मूल पढ़ाए हैं। आप उनका अध्ययन तो कीजिए, आपको कोई भी प्रश्न बाहर से या गूढ़ नहीं लगेगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप मूल ग्रंथों में भीड़ जुटाइए, शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं जुटाइए। इस बार भी मैंने देखा संस्कृत परीक्षा ब्रह्मास्त्र पुस्तक से लगभग 20 से 25 प्रश्न 73 कोड में आए हुए हैं और 10 से 15 प्रश्न 15-25 कोड वाले प्रश्न पत्र में आए हुए हैं मैंने देखा। यदि आप लोग उन ट्रिक्स को याद किए रहते, केवल पुस्तक खरीद ली और अपने पास रख लिए केवल ये कहने के लिए कि हमने तो इतने रुपये की पुस्तक खरीदी है, केवल इसके लिए पुस्तक नहीं होती है, उनका प्रयोग कीजिए। और किसी भी चैनल पर आपको कोई ग्रंथ मूल अध्ययन कराया जाता है उसको एक न एक बार आप अवश्य देखिए। हाँ, परीक्षा के समय पर आपको प्रश्नोत्तरी, महामैराथन, MCQ, शॉर्ट ट्रिक्स देखने की आवश्यकता होती है, पर शुरू से ही आप यदि इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो आपको बहुत देरी हो जाती है लक्ष्य को प्राप्त करने में। धन्यवाद।